ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्मान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा ध्यावे सैस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे सैस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करू दरों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चौवा जाम। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाम। जो रखो तो ही रहूं जो देवो सो खाम। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वेधनी गुरु अग आदीन। सतगुरु के उपदेश का
लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते यम द्वार, यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारू खान। कबीर चार खानी में भरमता कब हो न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी होए। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुसलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मनी हारे, भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता कुलाद। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनार, कबीर देव कबीर साहेब अल्लाहु अकबर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष जी की असीम कृपा से इस धरातल के ऊपर ये सत्संग होता है, और सत्संग के अंदर वही पुण्यात्मा पहुंच पाती हैं जो परमेश्वर की विशेष कृपा पात्र होते हैं। परमात्मा हमें रह रह कर ये जानकारी दिया करते हैं, वो परमात्मा समय समय पर सतलोक से यहाँ आते हैं और काल भगवान यहाँ के स्वामी 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करके अपना यथार्थ ज्ञान प्रदान करते हैं। वो परमात्मा हमें काल के जाल से निकालने के लिए आते हैं। यहाँ का 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो ज्योति निरंजन है, इसको काल भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, और ये इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000
मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उसमें से मैल गंध निकाल कर खाने का। जीव मरता नहीं, जीव अपने कर्माधार से आगे फिर अपना शरीर धारण कर लेता है, या जैसा जिसका संस्कार स्वर्ग या नरक में जाने का है वो सूक्ष्म शरीर युक्त प्राणी वहाँ चला जाता है। परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं, अमर लोक से चलकर आते हैं और अपने बारे में वो स्वयं ही ठीक ठीक जानकारी देते हैं। अज्ञान को अत्यधिक सुनने के कारण हम उस अज्ञान को सत मान चुके हैं और जो सांसारिक क्रियाएं हम करते हैं ये अपना हमने अंतिम उद्देश्य मान रखा है। हम प्रतिदिन देखते भी हैं कि भी छोटे छोटे बालक हैं, उनके माता पिता दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किसी की माता ही मर जाती है, किसी का पिता ही चला जाता है, पूरा परिवार भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। शेष बचे हुए अपने आप को सुरक्षित मानते हैं और जो किसी कारण से भी मृत्यु को प्राप्त हुए उसको सिर्फ इतना ही कहकर के हम अपना दैनिक कार्य में जुट जाते हैं कि उसको बीमारी हो गई थी, उसको कैंसर हो गया था, वो एक्सीडेंट हो गया उनको, तो ऐसे उस कारण को बता करके हम फिर हम अपनी नंबर की चिंता नहीं करते। एक बार युधिष्ठिर वनवास में घूम रहे थे अपने भाइयों के साथ, उनको बहुत प्यास लगी, पानी की तलाश की तो पता देखा कि कुछ दूरी पर तालाब है। नियम होता था कि सबसे छोटे वाला भैया जाता है कि मैं जल लाता हूँ, आप यहाँ रहो। वो जल लेने गया तो वहाँ पर एक यक्ष ने आवाज़ लगाई कि ए जल प्राप्त करने वाले, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, बाद में तू जल लेना। सहदेव गया सबसे पहले, सहदेव ने सोची कि इसके प्रश्न के उत्तर दूंगा इतने मेरे भाई मर जाएंगे, प्यासे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो उसने उसकी यक्ष के प्रश्न का उत्तर ना दे करके अनदेखा करके पानी लेना चाहा, वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी इंतज़ार करके फिर दूसरा नकुल गया, उसको भी यही आवाज़ आई, नकुल ने भी उसको इसी दृष्टिकोण से उसके उत्तर देना नहीं चाहा कि मैं लेट हो जाऊंगा और भैयों को बहुत प्यास लगी है। उसने भी चेष्टा की जल लेने की, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर तीसरा भीम गया, उसको भी यही आवाज़ आई। फिर अर्जुन गया, अर्जुन को भी यही आवाज़ आई, लेकिन उन्होंने अनदेखा किया तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब क्या देखा कि जैसे नकुल जब पहुँचा कि सहदेव मर चुका है, उसने सोचा ये प्यास से मर गया कि यदि मैं जल्दी ना करूँगा तो मेरे दूसरे भाई भी मर जाएंगे, इसलिए उसने जल लेना उचित समझा उत्तर देने की बजाय। इसी प्रकार जब भीम गया उसने भी देखा कि दो भाई तो मर गए प्यास से, और जल लेकर जल्दी चलता हूँ कहीं उन भाइयों की भी मृत्यु ना हो जाए। उसको भी ऐसे आकाशवाणी हुई पर उसने ध्यान नहीं दिया, वो भी मर गया। फिर अर्जुन गया, अर्जुन भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। सब भाइयों के इंतजार करके फिर स्वयं युधिष्ठिर वहाँ पहुँचा, युधिष्ठिर से भी यही आवाज़ आई कि या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे, नहीं तेरे भाइयों जैसी गत तेरी हो जाएगी। युधिष्ठिर जी ने कहा कि बोल तेरे क्या प्रश्न है। उसके 7-8 प्रश्न किए, उसने जैसा उचित वो जानता था वैसा उत्तर दिया। उनमें से एक प्रश्न ये था, उसने पूछा यक्ष ने कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रतिदिन हम अन्य को मरते हुए देखते हैं लेकिन अपनी मृत्यु के बारे में कभी चिंता नहीं करते, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो पुण्यात्माओं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। हमने ये सोच रखा था कि इसका कोई विकल्प नहीं है, जन्म और मृत्यु होती ही रहेगी, और हम देखते हैं कितने दुखी है संत जनता,
आप किसी हॉस्पिटल में जाया करो एक आधी वर्ष, जब यो मन घनी बकवाद करे और परमात्मा की तरफ ना लगे, एक चक्कर हॉस्पिटल में किसी मेडिकल में जाकर चक्कर लाया करो, किसी की कैसी दुरुक्ति है, कोई किसी तरह तड़फ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी की आँख फूटी पड़ी है, किसी के दोनों हाथ कट गए हैं, किसी की टांग कट गई है, कोई चिल्ला रहा है, किसी पेट में पीड़ा, किसी के कैंसर है, किसी बीमारी से। परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं कि जिस लोक में तुम रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। अब इसके विकल्प से हम अपरिचित थे, क्योंकि जितने भी संत ऋषि महर्षि हुए हैं वो यही कहा करते थे, जन्म मृत्यु तो जीव की बनी ही रहेगी। परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहब जी हमें आकर बताते थे कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं है, यहाँ पर तुम्हारी जन्म और मृत्यु होती रहेगी जब तक आप जी मेरे वाले ज्ञान पर आधारित नहीं होगे। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं उन्होंने यही ज्ञान बताया है कि जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती। और कुछ एक ने तो ऐसी अटकलबाजी की है नालायक ने कि जन्म मृत्यु सुख की परिभाषा, स्वर्ग की परिभाषा बताई है, मोक्ष की परिभाषा बताई है कि 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय तक मोक्ष प्राप्त प्राणी ऊपर आकाश में घूमता रहता है और उसके बाद उसने पुनर्जन्म उसका अवश्य होगा। जैसे सुबह खाना खाया है तो शाम को भूख लगेगी, ऐसे जन्म मृत्यु भी आवश्यक है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट सिद्धांत बना करके, बुद्धि भ्रष्टों ने ऐसे सिद्धांत बना करके और पूरी जनता को यहीं तक सीमित कर दिया, जबकि हमारे सदग्रंथ ये बताते हैं यदि पूर्ण संत मिल जावे, तत्वदर्शी संत मिल जाए तो उसका जन्म मृत्यु समाप्त हो सकता है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन तू, मैं और ये सभी सैनिक पहले भी थे, पहले भी जन्मे थे और आगे भी जन्म होगा, तो ये ना सोच कि हम यहीं तक सीमित है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना एक ओम मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मेरा एक ओम मंत्र है, ओम नाम है, और जो इसकी अंतिम सांस तक साधना करता रहेगा, शरीर छोड़ने तक ये साधना करता रहेगा, जाप करता रहेगा, श्रवण करता रहेगा, तो इस ओम के नाम की कमाई से, जाप से जितना लाभ मिलेगा वो इससे प्राप्त हो जाएगा। वो कितना हो सकता है वो उसकी कमाई के ऊपर है, कितनी भक्ति करता है, यानी कि सभी को इतना मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसका मैक्सिमम लाभ क्या हो सकता है कि 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय तक वो प्राणी ब्रह्मलोक में रहता है और ब्रह्मलोक में अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर ये पाप कर्मों के आधार से नरक भी जाता है, उसके उपरांत फिर पुनः अन्य प्राणियों के शरीरों को भी प्राप्त होता है और उनमें कष्ट उठाता है। ये ओम नाम के जाप के का परिणाम है, इसका ये फल है, इतना मोक्ष हो सकता है, इतना अमृतत्व आपको प्राप्त हो सकता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में यही कहा है कि
वायु अनिलम बसमानतम, वायु अनिलम अथ इदम बसमानतम शरीरम, ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप कार्य करते करते यानी अपना दैनिक कार्य में भी उसकी भूल ना पड़े, नाम काम करते करते सिमन कर, विशेष कसक किलबलाट के साथ, किलबे माने विशेष कसक के साथ, जैसे किसी को कोई ऐसे आपत्ति आ जावे या कोई अपना निजी व्यक्ति की मृत्यु हो जावे, फिर उसके प्रति कैसी अंदर ही अंदर कसक होती है, उसकी याद आती है, रह रहकर सबकियां बन जाती हैं। कहते इसी कसक के साथ सेवन कर और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर श्रवण करके मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति और साधना करने के लिए ही मिला है। तो उससे आपका क्या लाभ होगा कि आपका जो प्राण है, जीव है, वायु माने प्राण, प्राण माने जीव, वायु अनिलम अथम इदम बसमानतम शरीरम, जब शरीर नष्ट होगा, अमरतम यानी इतना अमर हो जाएगा जितना ओम नाम के जाप से जितना अमर हो सकता है उतना अमर हो जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु फिर भी रहेगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनर्वर्ती में है, वहाँ गए हुए प्राणी अपने पुनों के अक्षीण होने के उपरांत वह पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन जिस ज्ञान के विषय में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अध्यात्म ज्ञान यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में बहुत विस्तार से कहा गया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, अर्थात गीता और वेदों से वो ज्ञान भिन्न है और उनसे आगे का है। यदि सारा ही ज्ञान गीता जी में होता तो इस श्लोक की आवश्यकता नहीं थी गीता जी में। तो गीता ज्ञान दाता कहता मेरा तो ओम मंत्र है, और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा है कि वो जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि जिसके जानने के उपरांत प्राणी जन्म जरा और मरण से ही छुटकारा पाने की चेष्टा करता है, वो यहाँ की किसी वस्तु की में आस्था नहीं रखता, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? तब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, तीसरे श्लोक में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से वो कोई और परमात्मा है, ब्रह्म माने भगवान। ब्रह्म जैसे हम इस ब्रह्म को ही फाइनल परमात्मा मान रहे थे क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जैसे किसी कार्यालय में अधिकारी एक इंचार्ज होता है, कंट्रोलर होता है, और अन्य उसके अंतर्गत कर्मचारी अधिकारी भी होते हैं, तो उस अधिकारी को वो बार बार वहाँ उसके कर्मचारी जो होते हैं उस कार्यालय के, वो बार बार नाम नहीं लेते। जैसे डीसी ऑफिस में कार्यरत जितने भी अधिकारी और कर्मचारी सुपरिटेंडेंट क्लर्क आदि होते हैं, वो एक दूसरे को संबोधित करते समय ये बार बार नहीं कहते कि डीसी साहब ने ऐसा कहा है, वो यही कहते हैं साहब का ये आदेश है, आप ऐसे कीजिए, उनके लिए अंडरस्टूड है वो साहब। ऐसे ये दास जब जेई की सर्विस करता था तो हम एक्सियन ऑफिस में जाते थे तो वहाँ के क्लर्क, हेड क्लर्क आदि यही कहा करते थे कि साहब का ऐसा आदेश है, उनके लिए वो एक्शन ही साहब था। तो ऐसे ही जब एससी ऑफिस में जाते थे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस में जाते थे, तो वहाँ के भी अधिकारी कर्मचारी अब सिंपल यही बोलते थे कि साहब का ऐसा आदेश है। तो बार बार एससी साहब या एक्शन साहब या डीसी साहब नहीं बोलते। तो इस प्रकार ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म,
इसलिए इसको ब्रह्म कहो चाहे साहब कहो, तो इसको कहा करते थे कि ब्रह्म ही पूज्य है, ब्रह्म का ये ओम जाप है और ब्रह्म भगवान, इसको ये भगवान प्रसिद्ध हो गया अपने अक्षेत्र का। ये स्वामी होने के नाते ब्रह्म इसके लिए पक गया, फाइनल हो गया। इसलिए परब्रह्म शब्द की आवश्यकता पड़ी परमेश्वर को समझने के लिए, परमात्मा की परिभाषा समझने के लिए, और फिर पूर्ण ब्रह्म भी शब्द प्रयोग करना पड़ा, अन्यथा ब्रह्म शब्द सुफिशेंट है। परमात्मा शब्द, प्रभु शब्द, ईश शब्द, ईश कहो, ईश माने स्वामी। अब ये स्वामी और बहुत गणे नकली पाक गए, वास्तव में स्वामी एक ही है। कौन है वो? परम अक्षर ब्रह्म कहो उसे, पूर्ण ब्रह्म को। तो इस प्रकार ब्रह्म एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म। सर्वब्रह्म ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर ब्रह्म जो है ये परब्रह्म कहो इसको, ये 7 सांख ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर ब्रह्म वो असंख ब्रह्मांडों का मालिक है, वो ओवरऑल कंट्रोलर है, वो कुल का मालिक है, कुल धनी है। तो ऐसे समझने के लिए इस प्रकार हमने इनको, तो क्या है कि वो उसमें क्या कहा, गीता ज्ञान दाता कहता है ये ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और फिर उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बता रहा है कि उसका 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गया कि सच्चिदानंद गण ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, इसी का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला, ये वही है। तो उसकी उस पूर्ण परमात्मा की साधना से जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाएगा, तो उस गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में और 16-17 में 3 परमात्माओं की न्यारी न्यारी व्याख्या है, और ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भी सती थी उसमें क्लियर की गई है, स्पष्ट की गई। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, तो उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को काटकर, अर्थात तत्व ज्ञान समझकर, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, उस तत्व ब्रह्म के, परम अक्षर ब्रह्म के खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात जिनकी जन्म मृत्यु फॉर एवर समाप्त हो जाती है, एंड हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी यही प्रमाण दिया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम, सत धाम, रत धाम, सतलोक कहो, अमर लोक कहो, सत माने सदा रहने वाला, शाश्वत माने जिसका अंत कभी ना हो, सदा रहने वाला, तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो परमात्मा आकर के क्या बताते थे, कि आप जी ने इस संसारी कार्य को फाइनल मान रखा है और इसी को करते करते तेरी मृत्यु हो जाती है, और आप जी शेष बचे हुए फिर भी चिंतित नहीं होते कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपको इसके अल्टरनेट का ज्ञान नहीं, आपको इसके समाधान का पता नहीं, इसलिए आप जी बार बार इसी अरहट के कुएं में गिरते जा रहे हो। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये यथार्थ ज्ञान दिया है, क्योंकि काल भगवान ने हमसे ये 5वां वेद छुपा दिया था, सूक्ष्म वेद, जिसके अंदर यहाँ से इसके जाल से निकलने की विधि है, मेथड है और विस्तृत ज्ञान है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर जी ने स्वयं ही आकर बोलना पड़ता है अपने मुखारविंद से। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यही स्पष्ट किया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुखारविंद से स्वयं यहाँ ज्ञान जो बोला है, उस ज्ञान में, अर्थात उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के ज्ञान में, कबीर ज्ञान में, कबीर वाणी में, परमात्मा का अध्यात्म ज्ञान
बहुत विस्तार से लिखा हुआ है अनुष्ठानों के बारे में, और जो कौन से अनुष्ठान करने के हैं कौन से ना करने के हैं वो भी जानकारी उसी सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन द्वारा दिए गए अपने मुखारविंद से उस ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कही गई है। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और उसके पश्चात जैसा तू समझता है वैसे कर, तेरी इच्छा वैसे कर। अब परमात्मा आकर कहते थे, राम न जाण्या रे मूड नर, राम न जाण्या रे, राम न जाण्या रे मूड नर, राम न जाण्या रे। राम न जाण्या रे मूड नर, राम न जाण्या रे। जल की बूंद महल रचायो सकल जिहाना रे, जठरग्नि से राखिया तेरा पिंड रो प्राणा रे। जातो को भोजन दिया अमृत रस खाना रे, गर्भवास से काट कर नर बाहर आण्या रे। लीला अगम अगाध है सुरती विद नाना रे, मात पिता सुत बांधवा क्या देख बुलाना रे। इन में तेरा कोई नहीं क्यों बया दीवाना रे, जो तन चंदन लेपते वो धरे मसाना रे, सुवे सिंबल से या तुरु देख लुभाना रे। चोंच मार व्याकुल भया बहुते पछताना रे, मान सरोवर कमल दलगर दूर पयाना रे। गए रसातल राहा को ये पड़ पड़ पोथी पाना रे, राम न जाना रे मूड न तन राम न जाना रे। अब कितनी प्यार, ये हो सूक्ष्म वेद जो परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी के इस कंप्यूटर में फीड कर दी थी, और फिर उस प्यारी आत्मा ने अपने परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ गाई। राम न जाण्या रे मूड नरतन राम न जाण्या रे, इस सेंटेंस का कितना गहरा अर्थ है पुण्यात्माओं, कि तूने परमात्मा को समझा नहीं, और तू आप जी केवल इसी संसारिक कर्म को ही अपना प्रथम कर्तव्य मानकर करते रहे। क्या बताते हैं कि एक तो तूने परमात्मा की महिमा नहीं समझी कि भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ और ना करने से क्या हानि होती है, एक तो ये है राम जानना, और दूसरा ये है कि तूने राम नहीं जाना कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, ये तू नहीं समझ सका। उसके लिए क्या बताते हैं, जल की बूंद महल रचायो सकल जिहाना रे, जठरग्नि से राखिया तेरा पिंड और प्राणा रे। जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और तेरे शरीर को भी बनाया माँ के गर्भ में, और पेट के अंदर जहाँ बच्चा माता जी के गर्भ में बच्चा जब बनता है वो ऐसा होता है चीकले के सा शरीर, जैसे आपने कोई पशु पक्षी के बच्चे अंडे से निकलते हैं, निकलते हैं उनका शरीर कितना कच्चा कच्चा सा होता है, इससे भी कच्चा शरीर आपका माँ के गर्भ में था, और जहाँ तू विराजमान था उसके तो बिल्कुल साथ में ही जठराग्नि यानी पाचन अग्नि इतनी भयंकर आँच होती है, इतनी भयंकर गर्मी है वहाँ पर, अपने शरीर में परमात्मा ने कैसी व्यवस्था की है। जैसे कहते हैं हजारों किरण बहुत तेज गर्मी होते है। जैसे अब हम खाना खाते हैं, हम कच्चा फल भी खाते हैं, सलाद खाते हैं, पक्की रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये तो अध पकी सी होती है, अंदर जाकर के इसमें इतनी हीट है मालिक की दिव्य शरीर के अंदर, इस सब सारे को फिर दोबारा से परिपक्व करती है, दोबारा से इनको फूंकती है, और उस फिर अलग अलग से ऐसी फैक्ट्री लगा रखी है पेट में परमात्मा ने, अलग अलग से उनके सारी व्यवस्था करती है, ब्लड बनाती है,
उसी से हड्डी बनती है, मांस बनता है, ऐसे सारी व्यवस्था कर रखी है। तो कहते हैं उस ऐसे स्थान पर भी तेरी रक्षा उस मालिक ने तेरी की हुई है, और आज तो उसी को भूल गया। मात पिता सुत बांधवा क्या देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं क्यों भया देवाना रे। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है ये बोली आत्मा, तो फिर संपत्ति और संतान को अपना मान के अपना जीवन वेस्ट कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। कहने का भाव ये नहीं है कि बच्चों को त्याग दे या घर छोड़ कर भाग जा, नहीं, ये एक कार्य और है जो इम्पोर्टेंट था तेरे इस मनुष्य जीवन का, उसको शुरू कर और उसको प्रथम श्रेणी में लिया, बस इतनी सी बात है। जैसे हम पुण्यात्मा विचार करने की बात है, कोई भी व्यक्ति अपने प्रयत्न करके जब थक लेता है, ना उसका कोई कार्य सिद्ध होता है, ना उसके घर में कोई बरकत होती है, कोई हानि हो ही रही है, तो फिर वो परमात्मा की तरफ चलता है, परमात्मा से लाभ लेना चाहता है। यदि हम परमात्मा को पहले ही इतना महत्व दें तो हमारे सभी कार्य अपने आप ठीक होते रहे। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि दुख में सुमन सब करें और सुख में करे न कोई, और जे सुख में सुमन करें तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अपनात्मा सुमरण का अर्थ क्या होता है, आप जिन उपदेश ले लिया और स्मरण कर रहे हो आप, और साथ में कोई मर्यादा भी भंग कर रहे हो तो स्मरण नहीं लगेगा आपका। कुछ पुण्यात्मा ऐसे कहते हैं जी हमने नाम भी ले रखा है, हम भक्ति भी कर रहे हैं, और फिर भी हमारे ऊपर आपत्ति आई है और भयंकर आज आ गई है। तो कहने का भाव ये है इस दास का कि उनने स्मरण नहीं किया, स्मरण में मर्यादा में नहीं रहे, मर्यादा टूट जाने से ऐसी दिक्कत आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। तो स्मरण का तात्पर्य है कि परमात्मा कहते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में करें ना कोई। आप दुखी हो, आपको राहत मिली, सुखी हुए, कुछ दिनों के बाद आप इतने भूल जाते हो सत्संग के अभाव से, और फिर गलतियां प्रारंभ कर देते हो लोक लाज में आके। लोक लाज में आके गुरुजी के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना कर देते हो, उल्लंघन कर देते हो, मर्यादा तोड़ देते हो, तो काल का दाव लग जाता है। कुछ एक ऐसे भक्त हैं जिनके पिछले पुण्य अच्छे होते हैं, और वो पुण्यों के कारण, पिछले पुण्य तो हैं ही, उन पुण्यों के कारण वो सुखी है। जिस इस नकली लोक में जिसको हम सुख मानते हैं वो संसारिक दृष्टि से सुखी है, और उसने उपदेश भी ले लिया है। और एक ऐसा प्राणी है जिसके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं है, उस पर आपत्ति आ गई है, परमात्मा कबीर जी की शरण में यहाँ आ गया है, आने से उसने नाम लेने से लाभ शुरू हो गया है, तो कुछ दिनों के बाद उसको दुख आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि पुण्य बढ़ जाएंगे, पाप समाप्त कर देता है परमात्मा। तो फिर वो कुछ दिनों में उस दूसरे भक्त को देखा देखी कि दूसरा भक्त है, वो भी नाम लिए हुए है, और वो भी मर्यादा तोड़ देता है, जो गुरुजी ने आदेश दे रखा है उसका उल्लंघन कर देता है, और देखता है कि उस पर कोई आपत्ति अभी आ नहीं रही। उसको देखकर वो स्वयं भी विचलित होकर के कोई मर्यादा भंग कर देता है, तो ऐसे फिर आपत्तियां फिर प्रारंभ हो जाती है। जिस व्यक्ति ने उपदेश भी ले रखा है और नाम भी खंडित कर दिया, तो उस पर अब मंत्र उसका है नहीं, उसके पास इस नाम की कमाई बिल्कुल नहीं है। जिसने बीड़ी पी ली, शराब पी ली, मांस खा लिया, या कोई अनुपासना कर ली, या लोक लाज में आकर परमात्मा वाले नियम से वो वंचित हो गया, तो उसकी उसकी भक्ति नहीं चल रही,
उसके पिछले पुण्य चल रहे हैं, और वो सत्संग में भी आ जाता है, नहीं भी आता है, बीड़ी भी पीता है, एक आदि में गुटी भी ला लेता है, और वो फिर भी कहता मैं संत रामपाल का शिष्य हूँ। वो कह रहा है पर वो दास का शिष्य नहीं है। हाँ, उसके साथ क्या बनेगी फिर? एक ही दम इतनी आपत्ति आवेगी जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वो बक्कल उतरेगा, और फिर वो व्यक्ति आकर के कहेगा कि मैंने तो नाम ले रखा था जी, हमारे घर पे भी ऐसी आपत्ति आ गई। तो वो ऐसा पापात्मा होगा कि आसपास के क्षेत्र के 10-5 कोई भगत तारे हो नाम लेने के लिए श्रद्धालु, तो उनके लिए भी वो एक रोड़ा बन जाएगा। यो कहेंगे देखो उनका नाम ले रखा था, आज उनका इतनी आपत्ति आ गई। तो उसके पास नाम नहीं था भगवान वाला, परमात्मा का प्रोटेक्शन नहीं था। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाण, जब तक हम परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे, आन माने मर्यादा, तब तक काल का अटैक हमारे पर नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति के साथ साथ मर्यादा की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने खेत में बीज बीज दिया, समार भी दिया, बीज भी डाल दिया, डोल बनाई नहीं, उसकी डोली नहीं बनाई, उसके चारों तरफ मेड़ नहीं बनाई, डोला नहीं बनाया, तो पानी डालेंगे वो भी इधर उधर बिखर जाएगा, खाद डालेंगे वो भी इधर उधर बिखर जाएगा, तो फसल नहीं तैयार होगी। तो मर्यादा एक डोल बनेगी, और ये अति आवश्यक है। इसमें परमात्मा की भक्ति को रोकने के लिए, इसको परिपक्व करने के लिए, मात पिता सुत बांधवा क्यों देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं क्यों भया दीवाना रे, जो तन चंदन लेपते सो धरे मसाना रे, सूरज चंबन से या तुरु देख बुलाना रे, और चौंच मार व्याकुल भया बहुते पछताना रे। एक तोता पक्षी होता है, इसको सुआ कहते हैं, सुआ पक्षी होता है और वो परिपक्व फलों को खाता है, चौंच मार मार के खुशी से पके पके फलों को खाता है, शेष को छोड़ देता है। तो कहते हैं तोता क्या करता है, पहले से ही वृक्ष की आशा करता है, ये वृक्ष बड़ा होगा, ये पेड़ बड़ा होगा, इसको फल लगेंगे और खाऊंगा। तो तोते ने एक संभल के पेड़ के ऊपर, सिंभल के पेड़ के ऊपर आस्था लगा ली कि ये पेड़ बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे और फिर मैं जी भर के खाऊंगा, आनंद मनाऊंगा। तो क्या हुआ, 10-12 वर्ष के अंदर वो पेड़ बड़ा हुआ, उसके फल लगे, और फल इतने बढ़िया लगते हैं जैसे बहुत मीठे स्वादिष्ट मिलेंगे। जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उन उसके फलों में, उसके डोडों में कपास होती है, रुई होती है। अब तोते ने देखा कि ये पक गया है, इसको खाऊं, उसने जोर से चोंच मारी, वो रुई उस डोडे की, तोते की चोंच में फंस गई। अब जान की दुश्मन हो गया वो, सोचा था कि ये मुझे सुख देगा, आनंद होगा, मैं खुशी मनाऊंगा और पेट भर अन्न खाऊंगा, अंत में उसमें डोडे में कपास पाई, वो खाद्य पदार्थ नहीं था। तो परमात्मा इसकी तुलना आप जी से करते हैं। आप जी संतान उत्पत्ति करते हो, संतान उत्पत्ति होने के बाद फिर उसकी परवरिश के लिए दिन रात परिश्रम करते हो, और ये सोच कर करते हो कि मेरे मुझे बुढ़ापे में सुख होगा, अब तो मैं युवा हूँ, मेहनत करके बच्चों को पाल दूँगा और बुढ़ापे में चैन से सुख का सांस लूँगा और आनंद से रहा करूँगा। अब बुढ़ापे में जैसा आनंद से रहेगा तेरा जी ये जानेगा, बुढ़ापे में रह लिया आनंद है, शरीर काम करे नहीं, जाड़ दांत जाते रहे, शरीर में वीकनेस कमजोरी इतनी आ जाए, उठा जा ना बैठा जा, आजमा खराब हो गया, कदे कहीं दर्द है कहीं कुछ है, और परमात्मा क्या बताते हैं, बूढ़ा हो वे पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को न ये छाती फूकण हारे।
ये श्लोक सुनेगा बुढ़ापे में, सुख तर सौ सौ कोस दूर चला गया। अब क्या होता है कि बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी कंडम हो जाए, वो खाट पर बैठे रहे अपने घर में पौड़ी में द्वार के आसपास, उनकी चारपाई डाल देते हैं। तो पुत्र वधू खेत कार में अपना जाती है, बाहर मजदूरी पर जाती है, या कोई गोबर पानी डालने जाती है, लेने आ जाती है, तो उनको कह के जाती है सास ससुर को कि तू ध्यान रखना कहीं घर में कुत्ते ना घुस जाए। अब कुत्ते तो आदमी बूढ़े की तो कहाँ दाब मारने थे, वो तो ऐसे आँख में चौनी सी कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो कभी कुत्ता अंदर घुस गया और उसने जाकर के अंदर दूध कुछ पिया, कुछ गेर दिया उस पर ग्राउंड पर, परस्पर बखेर दिया। उधर से पुत्र वधू आ गई इतने में, और उसने अंदर जाकर देखा कुत्ते ने उत्पात मचा रखा, तो बहुत गुस्से में आकर के उस बुढ़ा बुढ़िया को कहती है कि तुम इन कुत्तों को भी नहीं रोक सकते, तुमने मेरी छाती फूंक दी, तुम कुछ भी करण के को ना। यानी इतना नाराज होकर के वो बोलती है जिसका दूध बिखर गया हो, जमीन पर गिर गया हो। तो बुढ़ा बुढ़िया को फिर ये वचन सुनने को मिलेंगे, कहते हैं बुढ़ा हुआ पड़े खाट में फिर सुने वचन खारे, और कुत्ते ताउन का भी सुख को ना तुम छाती फूकना रे। पुणात्मा परमात्मा हमें ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसी बनेगी जैसे उस तोते गेला बनी, जो भक्ति नहीं करते वो प्राणी, उनका अंत, उनके साथ परिवार का व्यवहार ऐसा होगा, बहुत रूखा होगा। और जो भक्ति करना शुरू कर देते हैं, परमात्मा की भक्ति ही कर रहे हैं, तो उनके अंत में आप देखना परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा, उस अपनी प्यारी आत्मा को दुखी नहीं होने देगा। ये परमात्मा की भक्ति साधना का एक नियम है, ये उसका फल है कि आपको दुखी नहीं होने देगा। एक बार एक त्रिलोचन नाम का भगत था, और वो परमात्मा की मर्यादा में रहकर साधना कर रहा था। परमेश्वर कबीर जी रह रह कर आते रहते हैं, कभी केवल एक संत रूप में रह कर के चले जाते हैं, और कुछ एक भक्तों को परमात्मा का लाभ दे जाते हैं, जिसका उदाहरण दूर तक फैला रहता है कि उनको एक संत था, उसने ऐसे कृपा करी, भगवान की कृपा से उनको ऐसे लाभ हुआ। तो इस कारण से हम परमात्मा की महिमा जीवित है, परमात्मा की स्थिति अभी तक ज्यों की त्यों है, अन्यथा ये काल भगवान चाहता है कि इनको गलत साधना पर लगा दूँ, शास्त्र विरुद्ध साधना ये करें, गलत ज्ञान दे दूँ, और ये परमात्मा से मिलने वाला लाभ इनको मिलना बंद हो जावे और ये सब नास्तिक हो जावे, जैसे पूरा रूस हो गया नास्तिक और पूरा चीन कंट्री हो गया नास्तिक। तो ये चाहता है कि ये ऐसे हो जाए सभी, फिर टंटा कट जाए, वहाँ कोई सुने को नहीं उस कबीर साहब की, जो अपनी प्यारी आत्माओं को अपने पास ले जाने के लिए आता है। तो त्रिलोचन भगत के ने परमात्मा की शरण ली, नाम लिया, और उनके बताए अनुसार साधना करते रहे, वृद्ध हो गए। और उनके एक नौकर था, कुछ जमीन थी और थोड़ी बहुत जमीन थी, उसे गुजारा हो रहा था, और एक नौकर था उसका, नौकर बहुत सेवा करता था। नौकर के कोई ऐसी घटना घट गई कि उसको जाना पड़ गया, और उसको त्रिलोचन ने भी मना नहीं किया कि जा बेटा। अब वो नौकर चला गया तो पीछे से क्या हुआ कि उसके जाने के कुछ देर बाद ही त्रिलोचन भगत का दस्त लग गए, डायसेंट्री होगी, और इतना वीक हो गया, उठा जाना बैठा जाना, पानी भी नहीं पी सके। तो बड़ा दुखी हुआ, परमात्मा को याद किया, प्रभु या कौन बनी, वो बच्चा भी चला गया। तो प्रभु ने क्या किया, उसके नौकर का रूप धारण किया और वहाँ आ खड़ा हुआ। तो उसने पूछा कि बेटा गया नहीं तू, अक नहीं नहीं महाराज जी, आपकी इस स्थिति को देखकर आप कुछ डीले से चल रहे थे, मेरे मन में आ गया कि महाराज जी बहुत डीले हैं, और स्वस्थ हो जाओगे तब जाऊंगा।
एक महीने के बाद वो नौकर आया। नौकर आने से दो मिनट पहले, आध घंटा पहले, 20 मिनट पहले परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। वो नौकर आया और अपने घर से कम भी 200-300 किलोमीटर का रहने वाला था, पैदल आते जाते थे। वहाँ से वो कोई सामान लिया था, उसने कहा प्रणाम गुरुजी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम बेटा आ गया। वो नो तक कह जी, ये लो, ये हमारे खेत में ऐसा होता था, ये फसल लिया हूँ और वहाँ के भक्त आपको, हमारे गांव के सभी भक्त आपको ऐसे ऐसे प्रणाम बोल रहे थे। और त्रिलोचन उसके मुंह की तरफ देख रहा है, ये बोल क्या रहा है भाई, क्या बता रहा है बेटा, कौन है, किसके बारे में बोल रहा है तू, क्या कह रहा है, कहाँ से, क्या बात होगी। अजी मैं वहाँ से आया हूँ, अपने गांव से आज, और ये सामान लाया हूँ आपके लिए, वहाँ के भक्तों ने ऐसे ऐसे दिया है, प्रणाम किया है, और ये मैं अपने घर से लाया हूँ ये आपके लिए। और गुरु जी ऐसे ऐसे रास्ते में बड़ी दिक्कत आई, एक जगह तो ऐसे था। वो कह रहा है, भले आदमी तू बोल क्या रहा है, तू सच्ची बता, क्या कह रहा है तू, तू यही नहीं था मेरे पास। अगर नहीं गुरु जी, मैं तभी आ रहा हूँ, तो कुछ पीछे से भगत भी आ गए, वो खेतों में काम कर रहे थे, और उन्होंने बताया जी आपका भगत हमने देखा था, ताइवान लग रहा था। तो त्रिलोचन ने कहा कि भाई यहाँ वो कौन था, ओए होए रे भगत। त्रिलोचन वो कहता, तू मेरी सेवा कर रहा था यहाँ पर, तने मेरी टट्टी ठाठा कर डाली, मेरे हाथ तक धोए, और बेटा रोटी बनाया करता, नहीं गुरु जी मैं तो आज आया हूँ, मैं तो आज आया हूँ स्वामी जी, और ये सामान लाया हूँ वहाँ से। तब रोया वो टक्कर मार के त्रिलोचन, हे परमात्मा, इस पापी पर इतनी कृपा आपकी कि आपने आकर के इस दास के अतिसार भी उठा कर डाले, टट्टी भी उठा कर डाली, कपड़े धोए, रोटी पोई, खाना खिलाया। तो परमात्मा कहते हैं, यदि आप जी सच्चे दिल से, देखो भक्ति तो सभी करते हैं, बच्चे स्कूल में सभी पढ़ा करते हैं और सभी विद्यार्थी होते हैं। कुछ एक बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छी मेरिट से पास होते हैं, तो अच्छे ऑफिसर बनते हैं, तो उनको ही विशेष लाभ मिलता है। तो ऐसे ही कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप ही में से, आप सच्चे दिल से सच्ची साधना जैसे दास बताता है मर्यादा में रहते हुए करो, और फिर देखना परमात्मा की लीला है। भगवान वही है, किसी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन इतना हो गया था कि हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ की विधि से वंचित हो गए थे, और हम परमात्मा की परिभाषा से भी अपरिचित हो गए थे। वो स्वयं परमेश्वर ने आके बताई है, मात पिता सुत बांधवा क्यों देख बुलाना रे, इन में तेरा कोई नहीं क्यों बया दीवाना रे, सुअ सिंबल से या तुरु देख लुभाना रे, और चोंच मारी व्याकुल भया बहुते पिस्ताना रे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।